हेलो दोस्तों, ब्लेंडर के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विजय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फॉलो पथ एनिमेशन क्रिएट करना सीखेंगे। दोस्तों, फॉलो पथ एनिमेशन का यूज करके आप अपने कैरेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही आसान तरीके से ले जा सकते हो। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर एक कैरेक्टर है जिसके अंदर मैंने वॉल्क साइकिल सेट करके रखा है। दोस्तों, मैंने आपको कैरेक्टर को क्रिएट करना, कैरेक्टर को रिक करना और कैरेक्टर में वॉल्क साइकिल कैसे सेट करते हैं वो सब सिखा दिया है। दोस्तों, आपने अभी तक मेरी वो सब वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वो सब वीडियो को देख लो। दोस्तों, वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको सभी वीडियो आसानी से मिल जाए। दोस्तों, अभी हमें करना क्या है, यहाँ पर एक पथ क्रिएट करना है और पथ क्रिएट करने के बाद क्या करना है दोस्तों, हमें अपने कैरेक्टर को ऐसा सेट करना है कि हमारा जो कैरेक्टर है उस पथ को फॉलो करे। तो कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको एड में जाना है, कर्व में जाना है और यहां पर लिखा हुआ है पथ, तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, जैसे आप इस पथ को सिलेक्ट करोगे, आप यहां देख सकते हो एक लाइन आ गई, ठीक है। लेकिन दोस्तों, लाइन का जो डायरेक्शन है वो भी ऐसे है, तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे करना है, रोटेट कर देना है। तो क्या करना है, आर प्रेस करना है, जेड प्रेस करना है और इसको ऐसे रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद दोस्तों क्या करना है, टैब प्रेस करके आ जाना है एडिट मोड में, ठीक है। अभी क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ से एक वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 7 प्रेस करके आ जाना है टॉप ऑर्थोमेटिक पर। अब दोस्तों हम इसको आगे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, तो ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, ई प्रेस करना है, इसको ऐसे एक्सट्रूड करना है, ठीक है। ओके दोस्तों, चलो हमने यहाँ पर एक पथ को ड्रॉ कर लिया है। अभी हमें एक सेटिंग और करनी है। अगर दोस्तों आप इसको जूम करके देखोगे ना, तो आपका जो पथ का डायरेक्शन है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। आप देख सकते हो, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। लेकिन हमें इसको ऐसा सेट करना है कि यहाँ से शुरू हो और यहाँ पर एंड हो। तो क्या करना है, ए प्रेस करना है, सबको सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर नीचे आओगे तो लिखा हुआ है स्विच डायरेक्शन, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप स्विच डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो ये परफेक्ट हो गया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस आर्मेचर को इससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो टैब प्रेस करके हम आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और इस आर्मेचर को पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम इस पथ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है सेट पैरेंट टू, आपको पथ कंस्ट्रेंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आप पथ कंस्ट्रेंट पर क्लिक करते हो, आप देख सकते हो हमारा जो कैरेक्टर है उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है, इधर हो गया। लेकिन हमको कैसा सेट करना है, ऐसे सेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब इस बोन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो आपको यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से डायरेक्शन को चूज करना है, इसको परफेक्ट करना है, ठीक है। ओके, अभी ये परफेक्ट हो गया। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हम यहाँ पर इसको प्ले कर रहे थे, क्या हुआ, यहाँ पर ये रुका हुआ है। लेकिन हमको ऐसा सेट करना है ये जो कैरेक्टर है इस पथ को फॉलो करे, तो और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलो कर्व, इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है और क्या करना है, एनिमेट पथ के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों हम इसको प्ले करके देखेंगे। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो हमारा जो कैरेक्टर है वो भी पथ को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम चेक करके देखेंगे। ओके, अभी दोस्तों आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर आना है ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज के ऊपर और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है फ्रेम, तो आपको इसको क्या कर देना है, 200 कर देना है। ओके, और दोस्तों यहाँ से एंड है, इसको भी 200 कर देना है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको प्ले करके देखेंगे। सो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो कैरेक्टर है इस पथ को फॉलो कर रहा है। ओके, अब दोस्तों आप चाहो तो इसकी स्पीड जो है घटा सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। वो कैसे करना है दोस्तों, आप यहाँ जितना फ्रेम अप करोगे उतना कैरेक्टर स्लो जाएगा। चलो मैं इसको 400 कर देता हूँ, तो हमारा जो कैरेक्टर है वो स्लो जा रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ, एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा जो कैरेक्टर है वो पथ को फॉलो कर रहा है। दोस्तों आप भी इसी प्रकार पथ एनिमेशन बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो।
आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।